रांची से ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि मांझी में मॉब लिंचिंग, और मांझी में मॉब लिंचिंग की वारदात। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत हो गई है। चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक को पीटा है, तो पुलिस ने चार लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया है। झारखंड में अपराधी अब इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब अपराधी लूट चोरी के साथ यहां मॉब लिंचिंग करने से भी नहीं डर रहे हैं। और ऐसे ही कई मामले रांची में पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है। मॉब लिंचिंग की वारदात के बाद एक ओर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति बयानबाजी के साथ आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। एक ओर बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का पलटवार करते हुए झामुमो बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। और मांझी में हुए मॉब लिंचिंग की बात करें तो यहां भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की बांध करके जमकर पिटाई कर दी है, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और वहीं वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है। लेकिन बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है, कानून पर सवाल उठाए हैं। डेड बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम करा दिया गया है और अभी परिजनों को सौंप दिया गया है। डीएसपी साहब के नेतृत्व में क्रिस्टोफर सिल्ली डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, जब से ये सरकार बनी है, सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी है। हिंदुस्तान का ये पहला राज्य और ये बात करते हैं, एक ठीक है अपराध हुआ, बहुत उसकी जितनी निंदा की जाए, ऐसे अपराध दोबारा नहीं हो उसको सुनिश्चित करेगी यहाँ की प्रशासन। और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया, कातिल जो भी था उसका भी हासिल जो होना था वो हुआ। लेकिन अपराधी को न बचाने का प्रयास हमारी सरकार करती है और न कहीं से किसी तरह का संरक्षण देती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महक, देखिए, मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और मांझी से यहाँ पर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इस मामले में पूरी जानकारी दे। जी लक्ष्मी, देखिए, बीते दिन और मांझी में हुए लिंचिंग की बात करें तो यहाँ चोरी के आरोप पर 35 वर्ष युवक को पीटा गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी FIR और मांझी थाना में की गई थी। जिसके बाद ग्रामीण एसपी ने इस घटना के खुलासा भी किया उन्होंने, और तकरीबन 7 आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया। और इनका कहना है कि जिस तरीके से आरोपी और जिस भाई ने। ठीक है महक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।